सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी के वास्ते आज तुम लोग अपना कीमती वक्त देखो, तुम्हारा एक कामा धामा सब छोड़ को धूप में छोरे तो हमसे बैठते सूझते भाई भी, लेकिन हमारे जिम्मेदार हमारे सीनियर स्टेज को जो बैठी एक एक आदमी भी कीमती आदमी है और सबका वक्त बहुत कीमती है। तुम्हारे इतने सारे कामा छोड़ को तुम्हें लोग सभी आज मोहल्ले के अंदर अल्लाह के सबके तुफे से अल्लाह के फजलो करम से पहली बार आधार सेंटर बोल को हमारे हल्के के अंदर हमारे इलाके के अंदर लेलक आना बोल को मेरी बहुत साल से एक तमन्ना थी। कई साल से मैं बहुत लोगों से डिस्कस भी करिया, लेकिन आधार सेंटर रीच हमारे एरिया तक करने में बहुत मुश्किल हुए, बल्कि सही ढंग से हम प्रॉपर चैनल नहीं मिला, ऐसा बात बोलना झूठ क्या भी नहीं, प्रॉपर चैनल नहीं मिला ऐसा एक सेंटर बनाने के वास्ते। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह की मर्जी से आज पहली बार ये ऐसा सेंटर यहाँ कायम हुआ के जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बीपीएल कार्ड, रेशन कार्ड और तुम्हारा इवन पासपोर्ट तक और उसके साथ साथ जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज सही चाहे कौन से भी एतबार से हमने ये सारे सर्विसेज के वास्ते फ्री सर्विस देना करके बोल को आज तुम्हारे बीच हमें लोग उत्तर को ही गुजारिश करते हो तुम्हारे सबसे कि जैसा आज ये इनॉग्रेशन हो को है, जैसा आज ये इनॉग्रेशन हो को है कि दुआ करो कि अल्लाह ताला सुकून अमन के साथ मोहल्ले के हर वो कायद के साथ चाहे कौन सी से भी जात का रहो, हिंदू रहो या मुसलमान रहो, कौन से भी रहो, सबके वास्ते सबके दुख दर्द में काम आना, उनके काम साथ में मिलकर चलना बोलो ये मेरा इरादा और ये आज से नहीं तुम्हें लोग जाते रहेगा। मैं इलेक्शन में तो 2015 में आया, कई साल पहले से हमारे बुजुर्ग जो हमारे बड़े हैं मुझे हर कभी भी हर एक पक्ष को सबसे पहले हिम्मत देखो आगे छोड़ने वाले वो साथ भी मंच रहते वो साथ भी मैदान रहते कई तरीके वो साथ भी तरीके का मेरी पीठ ठपक को भेजने वाले हमारे वालिद के और वालिद के बाद में पहले वालिद के मामू कहते थे जफरला खान जफरला माफ कर को अब इमरान के भी मामू कर को बोल को बेंगलोर में ये एक मशहूर किस्सा तो जफर माम रंदे हमारा अमीरदार रंदे हाजी साहब जितने भी मेरी छोटी उम्र से पहले कई साल पहले यानी के जब हमें होश नहीं संभाल लेते छोटे मोटे गलतियां हमारे से भी हो गई कार्य हमें फरिश्ते न गए गलती नहीं करा से कौन सा भी इंसान न गए गलती कर को है अल्लाह का दया हमें माफी मांग को ही अब माफी मांग को आइंदा दिन हमें मोहल्ले के वास्ते और गरीब के वास्ते सबके दुख दर्द में काम आना बोल को ये ठान को मैं इलेक्शन की नीयत से हमें काम करने को मेरा नीचे नीचे ऐसा बचपन से भी कौन से भी आते मेरे पास मेरे घर को रहते पर्सनली मेरे दोस्त रहते सबको लेको उनके साथ बैठ उठ को खा पी को उनके दुख दर्द में अच्छे बुरे में मिलकर चल को चलने की आदत थी वो चलने को था अब वो काय की जाको तुम्हें लोग सभी मोहल्ले वाले पूरे कमेटिया वाले तुम्हें मस्जिद के जिम्मेदार हमारे असगरदार रहते तमाम लोग सब मिलकर हमारा ताया फारूक पाशा रहते
हमारे पूरे ब्रदर्स सब मिलकर इलेक्शन में खड़ा होना करके बोल को डिसाइड कर को मुझे इलेक्शन में भी खड़ा है और अल्लाह की मेहरबानी पूरे बेंगलुरु शहर के अंदर वन सीट ऐसा वन सीट करके दिखाया पूरे के पूरे 60-65 पीस है 70 पीस है पूरा वोटा मेरे हाथ में डाल को तुम्हें मुझे जिता को सामने ले तो ऐसा शायद मैं समझता हूँ पहली बार ये पूरे हलके के अंदर ऐसा हुआ रहेगा तो मैं तुम्हारा आभारी हूँ इतने सारे चीजा तुम्हारे बीच चल को ही मेहरबानी से ये स्कीम का फायदा तुम्हें लोगों पूरे मोहल्ले वाले सब बिल्कुल उठा जाओ और आइंदा दिन हमें कौन से भी एतबार से क्या भी चीज बन रहे क्या कौन से भी काम आ रहा है इंशाल्लाह मैं मेरा भाई इरफान उमर मोहसिन सुल्तान अकबर पूरे जितने भी हमारे बच्चे हैं हमारे फैमिली वाले हैं हमारे भाया हैं अफजल पाशा हैं हमें सब मिलकर मोहल्ले की खिदमत करनी इंशाल्लाह ताला अल्लाह से मेरी गुजारिश है कि आने वाले दिन में कौन से भी एक ऐसे फैसले जो किसी को अल्लाह को नहीं पसंद थी ऐसे मामले नहीं होना और अल्लाह ताला जो आज इस हलके में चाहे मैं रहो चाहे और भी बड़े दर्जे को कोई और भी दूसरे आगे रहेंगे शायद सबके वास्ते अल्लाह सबके वास्ते खैर का मामला करे थे उनको उनको अपना हक समझ को और अल्लाह को मालूम बंदे के वास्ते क्या बेहतर है क्या नहीं ये अल्लाह को मालूम है हमारा है सबका चुनने वाले करने वाले अल्लाह हमारे वास्ते तुम्हारे वास्ते क्या बेहतर है ये अल्लाह तय करती है जब बोल को मैं अल्लाह के ऊपर ही छोड़ता हूँ अपना अल्लाह तुझ देख ले मैं अगर गलत रहा उसकी सजा मंजे देता अगर सामने वाले कोई भी गलत रहे तो उनको अल्लाह हिदायत देना करके बोल को मैं अल्लाह के लिए गुजारिश कर रहा हूँ बस खुदा मकसद से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं मस्जिद के जिम्मेदार हैं हम तमाम उम्मत के लिए रहमत